तो आपको क्वेश्चन में ये कंसेंट्रिक शेल्स गिवन है, आप पहले शेल का मास लिख लो m1, दूसरे शेल का लिख लो m2 और तीसरे शेल का लिख लो m3, m1, m2 एंड m3, राइट। इसके अंदर नेक्स्ट एक काम करो, इसका रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस, एक का लिखो r, एक का लिखो 2r, एक का लिखो 3r, r, 2r, 3r। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, आप पॉइंट नंबर वन लें, मान लो यहां पे कोई पॉइंट नंबर वन है, इस पॉइंट नंबर वन पे बताएं, पॉइंट नंबर वन पे बताएं ई की वैल्यू कितनी है तीनों शेल्स की वजह से। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट शेल से शुरू करते हैं। पहला शेल क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ई की वैल्यू यहां पर? जीरो, क्योंकि रूल क्या है, अगर कोई पॉइंट शेल के अंदर है तो ई का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जीरो। तो फर्स्ट, देखो जब फर्स्ट शेल से पूछ रहे हैं तो फर्स्ट शेल आंसर देगा, सेकंड थर्ड को भूल जाएगा, जब सेकंड से पूछेंगे फर्स्ट और थर्ड को देखना नहीं आपने। तो फर्स्ट शेल से पूछो तो कितना ई कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, फर्स्ट शेल क्या करेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर है तो मैं तो कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा नहीं, तो मेरा ई जीरो। सेकेंड से पूछो तू क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, अब सेकेंड शेल जब आंसर दोगे फर्स्ट शेल आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सेकंड शेल भी क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है तो मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, कितना? जीरो। थर्ड से पूछो वो भी क्या कहता है, ये पॉइंट अभी भी मेरे अंदर ही लाई करता है तो इसका भी कुछ भी नहीं होगा, तीनों शेल जीरो कर देंगे। पहला पॉइंट क्लियर है? बताओ वी क्या होगा इसी पॉइंट पे, फर्स्ट शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ क्या है? माइनस जी एम वन डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, टू आर की थ्री आर, या स्मॉल आर, ओके, या स्मॉल आर, ये स्मॉल आर या आर वन, कैपिटल आर, बिल्कुल सही, क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट शेल के अंदर लाई करता है तो फर्स्ट शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है जो जितना मेरे सरफेस का पोटेंशियल है उतना अंदर कर लो, सरफेस का कितना पोटेंशियल है यहां पर? आर, सही है। सेकेंड शेल, सेकेंड शेल का बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस जी एम टू बाय टू आर कि आर, टू आर। सेकेंड शेल क्या कहेगा, सेकेंड शेल को फर्स्ट और थर्ड शेल दिखता नहीं है, सेकेंड शेल कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है तो जितना मेरे सरफेस का पोटेंशियल है उतना अंदर कर दो। अब तुम ये देख लो सेकेंड शेल के सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल है, सरफेस पे जाने के लिए तुम्हें टू आर डिस्टेंस आना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टू आर। थर्ड शेल की भी सेम स्टोरी है, थर्ड शेल कहता है कि क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है तो मेरी सरफेस का पोटेंशियल इसको दे दो, तो ये मेरा पॉइंट नंबर वन सॉल्व हो गया। तो ये फॉर्मूलाज क्यों करवाए जा रहे हैं समझ में आ रहा है, ताकि आप ऐसी जगहों पे अप्लाई कर सकें। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि लो ये रहा पॉइंट नंबर टू एट अ डिस्टेंस ऑफ आर टू, पॉइंट नंबर टू ये रहा आपका पॉइंट नंबर टू, तो आपको पॉइंट नंबर टू पे पहले ई बताना है। चलो फर्स्ट शेल से शुरू करते हैं, फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल से पूछो पॉइंट नंबर टू पे क्या कंट्रीब्यूट करेगा, जीरो करेगा कि नहीं करेगा, कुछ तो करेगा, ऐसा क्यों, जीरो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉइंट शेल के बाहर लाई करता है, कितना बाहर लाई करता है, स्मॉल आर टू, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस कहां से देखे जाते हैं, फ्रॉम सेंटर। तो क्या बनेगा, जी एम वन डिवाइडेड बाय आर टू का स्क्वायर। अब शेल नंबर टू, पॉइंट नंबर टू शेल नंबर टू के अंदर लाई करता है तो वो कहता मैं तो कंट्रीब्यूट करता नहीं, और थर्ड भी मैं नहीं कंट्रीब्यूट करता, जीरो जीरो, ठीक है यहां तक पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट वी टू, वी टू, वी टू पॉइंट नंबर टू, चलो फर्स्ट शेल से शुरू करते हैं, फर्स्ट शेल यहां पोटेंशियल लगाएगा, कितना लगाएगा, माइनस जी एम वन डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस सेंटर से हैं और फर्स्ट शेल से ये R2 डिस्टेंस दूर है। सेकंड शेल क्या कंट्रीब्यूट करेगा, माइनस G M2 बाय 2R, क्योंकि ये पॉइंट इस शेल के अंदर लाई करता है तो जितना सरफेस का पोटेंशियल है उतना अंदर पोटेंशियल है, क्लियर है यहां तक।
नेक्स्ट है थर्ड माइनस जी एम थ्री, क्योंकि ये पॉइंट इसके भी अंदर लाई करता है, तो जितना इसका सरफेस का पोटेंशियल है उतना ये यहां पे दे देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अगर मान लो क्वेश्चन में ये आ जाता है कि पॉइंट नंबर थ्री पे निकाल लो अब सब कुछ, अब थ्री का जो डिस्टेंस है वो आर थ्री है सेंटर से, तो बोलो पॉइंट नंबर थ्री की बात करते हैं तो ई की वैल्यू नेट क्या आएगी? फर्स्ट शेल के सेंटर से ये कितनी दूरी पे है? आर थ्री, तो क्या आएगा? जी एम वन डिवाइडेड बाय आर थ्री स्क्वायर। उसी तरीके से शेल नंबर टू के लिए भी ये पॉइंट बाहर लाई करता है, और अगर बाहर लाई करता है तो कितना बाहर लाई करता है? सेंटर से आर थ्री का स्क्वायर, पर शेल नंबर थ्री के ये अंदर ही लाई करता है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि शेल्स पे कैसे काम करता है? तभी तो नाम शेल थ्योरम है, क्योंकि शेल्स ही शेल्स आएंगे इसमें, राइट। नेक्स्ट है वी निकालो, वी फर्स्ट शेल माइनस जी एम वन बाय आर थ्री, क्योंकि सेंटर से कितनी दूरी है पॉइंट की? आर थ्री। नेक्स्ट माइनस जी एम टू बाय कितना? आर थ्री, क्योंकि ये पॉइंट शेल नंबर टू के भी बाहर लाई करता है, और कितना बाहर लाई करता है? आर थ्री। लेकिन शेल नंबर थ्री क्या कहता है? क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है तो मेरी सरफेस का ही पोटेंशियल दे देना आंसर।